नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम टीवी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ईडी के बारे में। जैसा कि हम लोग मीडिया में, टीवी में देखते आ रहे हैं कि ईडी का एक अहम रोल है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत और रिया के केस में ईडी का एक अहम रोल होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि ईडी है क्या चीज़। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसको हम लोग हिंदी से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका हिंदी होता है प्रवर्तन निदेशालय। ओके, देखिए प्रवर्तन निदेशालय, तो इसको शॉर्टकट में हम हिंदी बोलेंगे, ईडी बोलेंगे, और आप इसको प्रवर्तन निदेशालय समझेंगे। ओके, तो ईडी एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ध्यान से सुनिएगा, एजेंसी है और एक आर्थिक खुफिया एजेंसी भी है। और आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए भारत के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी है। यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का अधीन है। ओके, एक हिस्सा है। ध्यान से अगला लाइन सुनिए, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से बना है। इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा अधिनियम विनियम अधिनियम 1947 के तहत विनियम नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। अगला बात सुनिए कि इसका 1957 में इसका नाम बदल दिया गया। इसे 1957 से पहले नाम क्या था? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल दिया गया था और परिवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के रूप में आया। ओके, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तन निदेशालय। जैसा कि इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है, सत्यमेव जयते, परिवर्तन निदेशालय सत्यमेव जयते। ओके, तो ईडी संक्षिप्त में ईडी बोलेंगे। इसका अवलोकन गठन हुआ था 1 मई 1956 को, आज से 64 साल पहले, 64 ईयर्स एगो। यह एक सरकारी विभाग है, भारत सरकार के अधीन है। इसमें उपकरणों का विनिर्माण निर्माण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू है। ओके, ये सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी से इसका अधिकार है, विशेष एक क्षेत्राधिकार है। इसका मुख्यालय, ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। और ईडी का मंत्री जिम्मेदार होते हैं, वित्त मंत्री, जो भी भारत के वित्त मंत्री होंगे ईडी उसके अंतर्गत आएगा। वर्तमान वित्त मंत्री भारत के निर्मला सीतारमण जी हैं। ओके, वर्तमान में एजेंसी के अधिकारी हैं संजय कुमार मिश्रा, IRS प्रवर्तन, ओके, निदेशालय प्रवर्तन, राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के लिए एक जनक एजेंसी है। इसको बनाने के, देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि यदि आप इसके बारे में डिटेल्स आप जानना चाहते हैं ईडी के बारे में, तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर। देखिए भारत में ईडी की ज़रूरत क्यों पड़ा? कोई भी देश में, हर एक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, और हर एक देश में एक संस्था ऐसा होती है कि प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा एवं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA का परिवर्तन है। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेश में जैसे एक देश दूसरे देश, भारत और दूसरे देश के बीच में अगर यदि किसी तरह का विदेशी मुद्रा के रूप में कोई भी अड़चन आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या तो फिर देश के अंदर धन शोधन से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ईडी का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, SSR के केस में 15 करोड़ के बात है मनी लॉन्ड्रिंग जो बोल सकते हैं रिया के मामले में, तो इस केस में भी जांच चल रही है। ईडी का एक अहम रोल है। ईडी का आधिकारिक वेबसाइट अपने इन अन्य उद्देश्यों को शामिल करता है जो मुख्य रूप से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े हैं। वास्तव में यह एक जांच एजेंसी है। ओके, इसलिए सार्वजनिक डोमेन पर मतलब सार्वजनिक वेबसाइट पर संपूर्ण विवरण प्रदान करना भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध है। संगठनात्मक सेटअप, आप इसके ब्रांड के बारे में जानिए कि परिवर्तन ईडी का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, लेकिन साथ ही इसके विशेषकर विशेषज्ञ निदेशकों के नेतृत्व में मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद में भी है। इसके अलावा बहुत सारे जगह में उप जोनल कार्यालय भी खुले हुए हैं ईडी के, जैसा कि जयपुर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालीकट, इंदौर, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर और मदुरै में भी उप जोनल कार्यालय हैं जिनकी अध्यक्षता उप निदेशक करते हैं। यस राइट। विशेष अदालतें, देखिए आप ईडी को एक तरह से आप
बोल सकते हैं जज हैं, ईडी को आप एक तरह से बोल सकते हैं कोर्ट है, ओके। कैसे? तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य अधीश के परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय एस के रूप में नामित करता है। अदालत को PMLA कोर्ट भी कहा जाता है। PMLA अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे उस अधिकार क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकती है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये जानकारी ईडी के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।